आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनीस। घर कहाँ हुआ आपका? अकबरपुर बेग। क्या मामला है, क्या हुआ है आपके साथ? सर हम गए थे गाड़ी लाने के लिए, लॉकडाउन से पहले गए थे, 4-5 महीना पहले गए थे लेने के लिए। तो मैं बजाज एजेंसी पर हम पहुंचे, पहुंचने के बाद में बैठे, बैठने के बाद में एक सबूत ऐसे बनाया, हम तो जाहिल जपड़ थे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। वो हमको बोला भैया ठीक है गाड़ी हो जाएगा, बैठिए सर। बैठाने के बाद में पानी उनी पिलाया, ठंडा पिलाया, उसके बाद में हमको से एक कागज बना दिया। बनाने के बाद में बोला देखिए इतना आपको 85,000 लॉकडाउन कर दीजिएगा ना तो आपको लोन इतना होगा। हम बोले भाई कितना, हमको तो नहीं समझ में आता है। तो कल के देखिए इसमें किस्त आपको भरना पड़ेगा 7,300 कुछ रुपया है। तो हम सोचे ठीक है जी, तो हमने 85,000 रुपया उसको दे दिए। देने के बाद में हमको कोई साबुत नहीं, वो सारा कागज पता है क्या लिखा नहीं लिखा, बोला इसको आप रख लीजिए, हमको गाड़ी दे दिया लेकर के। देने के बाद में जब महीना जो लगा तो उस महीना में हमने 15,000 रुपया गए हुआ। बोले सर 7,000 का किस्त हम कितना जमा कर, हम ज्यादा जमा कर दें? बोले ठीक है कर दीजिए, कितना कर सकते हैं? बोले 15,000। तो 15,000 रुपया पहला महीना हमने दिया, उसके बाद में दूसरा महीना में 10,000 दिया, मतलब 10,000 के हम देते चले गए। बबलू नाम का आदमी थे और उसके साथ और 2-3 आदमी थे, उसी का आदमी। तो कभी बबलू बैठता था कभी दूसरे, तो हमने बबलू से पूछे भाई ये जो बैठता है तो हमको रसीद तो दीजिए। तो रसीद जो है वो जो दरभंगा से आता है ना 2-4 दिन में 10 दिन में आता है, तो रसीद काट के रखिएगा तो हम आपको दे देंगे। तो हम जाते थे तो हमको रसीद मतलब एक 15,000 वाला दिया, एक 10,000 वाला दिया, मतलब ऐसे कर करके से कभी 2 महीना बीच में छोड़ देता था से भाई आपका रसीद नहीं आया, आएगा तो आपको मिल जाएगा। पुलानीस भाई आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो है रसीद मिल जाएगा, आपका गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल सही आदमी है, पैसा बिल्कुल सही टाइम पर जमा भी करते जा रहे हैं। हम आज तक कभी किस्त नहीं तोड़े, लॉकडाउन में भी हम नहीं तोड़े, और वो पैसा लॉकडाउन वाले ये 4-5 महीना का वो किस्त वो नहीं भरा। हमको बोला सब हम डालते ही चले जा रहे हैं कि हमने खस्सी बेच करके और कमा करके जैसे भी हो एक 2 पैसा करके जमा करके हमने उसको रात दिन करके इकट्ठा करके दिए। और जब हमने सोचे अभी मेरा लड़का एक तो है, वो पूछा इतना दिन हो गया अभी तक किस्त जमा नहीं हुआ है, तो हमने कागज चेक करे तो बोला अरे भाई आपका तो किस्त पैसा भी ज्यादा हो चुका है, चलिए उसका क्लियर कर लीजिए। जब वहां पर गए तो ये अगला का सवाल हुआ, वो तो भाग गया। अब हम लोग नया से लिए हैं और वो आदमी नहीं है, बोले भैया बोर्ड उसी का है, काउंटर उसी का है, हर चीज तो उसी का है, वो तो भागा तो आप ना लाइएगा ढूंढ के। तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, आपका काम आप लाइए। हम बोले भैया हम कहाँ से लाएंगे भाई, काउंटर ही है, एजेंसी यही है, बजाज से हम लिए हैं, ये इंदुजा फाइनेंसर से हमको ये किया, हमको ये नहीं मालूम था से अंदूजा का है, हम समझते थे बजाज का है, हम बजाज का गाड़ी लिए हैं, ये इंदुजा से हमको फाइनेंसर कर दिया, ये हमारे साथ बहुत बड़ा घोटाला किया है, समझिए ना। इसलिए सर हमारा इसका निर्णय कोई तो हम देने, अगर हमारे ऊपर डोज है तो आप हमसे ले लीजिए, अगर हमारा पैसे है तो आप हमको दे दीजिए, लेकिन हम बहुत गरीब आदमी है और इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे सर।